टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 जी भाई, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं द मजेदार शो और मैं हूं आपका होस्ट फैजान शेख। सबसे पहले मैं अपने वेलकम करूंगा हमारे हाउस बैंड को, जिसमें मौजूद हैं फैसल, यासिर, इमरान और जोहेब। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फैटर हाफ की। जी हां, बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे वो मिस्टर आदि अदील अमजद। और एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया क्योंकि विंटर्स आ गए, ठीक है, और बाइक चलाना शुरू कर दिया क्योंकि विंटर्स आ गए। तो विंटर्स में एक्सरसाइज करते हैं आप? विंटर्स में मजा आता है क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं तो इतना सन्नाटा होता है और इतना सुकून होता है कि दिल चाहता है कि जरा यार अमेरिका में हो रहे हैं इलेक्शन। हाँ बिल्कुल, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? होने चाहिए इलेक्शन, हर जगह होते हैं। जिस तरह हमारे घर में भी इलेक्शन होते हैं, ठीक है, कि इस बार किसकी शादी करनी है। अच्छा, तो फिर पूरा खानदान उसके पीछे पड़ जाता है और उसकी शादी कराते हैं बेचारा। अच्छा, अगर आप अमेरिका में तो किसको वोट देते? मैं पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को? हाँ, पीपल्स पार्टी अमेरिका में क्या कर रही है? पीपल्स पार्टी तो हर जगह होती है ना, पीपल्स मतलब लोग, पार्टी मतलब पार्टी, क्लबिंग और पार्टी पीपल्स। यार मैं मतलब वैसे बात कर रहा हूँ, वहाँ दो लोग हैं, आपको पता है कौन दो लोग जिनके बीच में हो रहा है मामला? दोनों अंग्रेजी होंगे जाहिर सी बात है, लेकिन मतलब कौन है, नाम पता? एक वो जो जिसने वो बारबी के बाल लगाए हुए। हाँ, नाम नहीं पता? नाम नहीं पता मुझे। डोनाल्ड ट्रम्प। और दूसरे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। जोहान सिदावर्नेश। अरे जो आए थे कल जो बाय जो असलम। मुझे क्या जो बाइडन। हाँ हाँ, मुझे लगता है जो बाइडन को जीत जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, क्यों, आपको कुछ पता है इस बारे में? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना थोड़े दिमागी तौर पे ठीक नहीं, स्टेबल नहीं है। हाँ, तो ये कोई नया बंदा आएगा शायद, पता, वो स्टेबल हो तो सबके लिए अच्छा। और मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी, ये जो दूसरे है ना, हाँ, क्या नाम था, जो बाइडन। हाँ, उनकी एक वीडियो देख रही थी, उसमें वो एक फैमिली को कह रहे थे कि आई विल मेक श्योर दैट आई गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द मुस्लिम्स इन अमेरिका। अच्छा, तो मैंने वो क्लिप देखा तो मुझे अच्छा लगा कि अगर इसके दिल में है तो इसके दिमाग में भी होगा। आपने बात की स्टेबिलिटी की, बिल्कुल, तो इसी हवाले से मैं चाहता हूँ कि हम अपने गेस्ट के बारे में बात करें। ठीक है, हमारे जो गेस्ट हैं इंतहाई टैलेंटेड हैं, यंग हैं, जबरदस्त काम करती हैं, थिएटर से काम शुरू किया इन्होंने और जब से फील्ड में आए बहुत ही स्टेबल काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े पिकी है काम के मामले में, थोड़ा कम काम करते हैं। मेरी इनसे हमेशा ये बात रहती है कि ज्यादा काम करें, लेकिन ये कहते हैं यार मैं जरा कम चूज करता हूँ, जो चीजें मुझे अच्छी लगती है मैं खाली वो करता हूँ। हाँ, ठीक है ना, जबरदस्त एनर्जी, हम उनको बुलाते हैं, बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर हरीश वही। प्लीज बैठिए। थैंक यू। क्या हाल है आपके? बिल्कुल फिट हाल है, अभी सुबह सुबह आप लोगों की शक्लें देखी, आप लोग की एनर्जी देखी, अब दिल लगा कि अच्छा गुजरेगा। अच्छा, मुझे लगा कहने लगे सुबह सुबह आपकी शक्ल देखी अब तो मनहूस दिन गुजरेगा मेरा। अल्लाह याद दिलाए। मुझे एक सवाल पहले स्टार्टिंग में था कि ये मजेदार शो जो है ये नाम मजेदार किसने रखा है? ये हमने इसलिए रखा है, पहले तो वजह बता सुन लो, कि शो जैसा भी हो कल को आप जाके बताएंगे तो यही कहेंगे ना यार मजेदार शो था। वाकई यार, तो ये नाम हमने इसलिए रखा है। दिमाग और पूछ भी सकते हैं यार, मजेदार शो देखा आपने, बोले ये कौन सा शो यार, है ही मजेदार, तो आप ना चाहते हुए भी तारीफ करेंगे। नहीं, लेकिन आप लोगों ने नाम के साथ साथ इस शो की लाज भी रखी है, जितनी एनर्जी और जिस पॉजिटिविटी के साथ आप लोग ये शो करते हैं, मजेदार ही शो है यार, हमारी कोशिश होती है वाकई। और हम हैंड पिक करते हैं अपने गेस्ट को, क्योंकि हर कोई आके मतलब सेटल नहीं हो पाता। हमने कुछ ऐसे शो भी किए जिसमें हम भी सो रहे थे, आंख लग गई थी, फिर उठाया कि भाईजान शो हो रहा है। तो मैं हैंड एग्जैक्टली। अच्छा आरिफ भाई, सबसे पहला सवाल आपसे ये है, माशाल्लाह आप काम करते हैं, बहुत खूबसूरत काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, ये बताइए कि जितने भी लोग आपको जानते हैं वो सब ये जानना चाहते हैं कि ये हारिस जो नाम है ये कैसे पड़ा? यार ये सवाल तो क्यों पूछते हो लोगों से? मुझे जानना है कि हर किसी का नाम कैसे पड़ा, आपका नाम, आपका ये नाम कैसे पड़ा? बताइए नाम। यार ये मेरे ख्याल में जब मैं बहुत छोटा था ना। हाँ, कितना, कोई 3-4 इंच? नहीं, मैं 3-4 महीने का था। महीने का था तो मैं क्रॉल नहीं करता था, मैं चलता था।
अच्छा बच्चे यूजुअली हाँ मैं डायरेक्टली मैं चलने लग गया सहूलत अपनी मैं चल रहा हूं मैं जा रहा हूं। वो हारिस के जो अरेबिक मायने वो घोड़े के हैं तो मेरी वालदा ने कहा कि तू घोड़े की तरह चल रहा है तो उसने कहा इसका नाम हारिस रख दो। अरे यार हारिस रख दिया पहला मेहमान जिसने अपना नाम सही जस्टिफाई किया कि मेरा नाम ये। अच्छा ये मैंने शुरू में कहा सही कहा कि तुम कम काम करते हो अपनी मर्जी से पिकी हर चीज मैं नहीं करूंगा ये भी मसला है ना कि यार अगर आप नहीं कर रहे तो लोग कहते हैं यार अच्छा आप भी काम करते हैं ये बड़ा प्रॉब्लम अगर आप ब्रेक लें अपनी मर्जी से यार मुझे अच्छे स्क्रिप्ट नहीं आ रहे जब तक नहीं आएंगे मैं नहीं करूंगा इस पे आप कितनी देर टिक सकते हैं एज एन एक्टर। यार मुझे लगता है ये वाला जो मसला है ना ये यूनिवर्सल मसला है। वैसे ही हम अब जो हमारी दुनिया हो चुकी है ग्लोबलाइजेशन के बाद वो यही है कि हम इस कल्चर को कि टू टेक अ रेस्ट और टू टेक अ टाइम आउट हम इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते। हमें चाहिए कि हम कॉन्स्टेंटली एक रेस में हो। अभी आपने सुना होगा कि कोई घर पर बैठा हुआ है डिप्रेस होता है तो उसको कहते हैं यार चलो डिस्ट्रैक्ट करो अपने वी डोंट टेक अ टाइम आउट तो हम अपने इमोशंस के साथ अपने अंदर जो हमारी दुनिया है उसके साथ इन सिंक नहीं हो पाते। सही है आई थिंक वो करना जरूरी है वो चीजें करना जरूरी है। अच्छा भी है वो। अच्छा आरिज ये बताइए आपने थिएटर भी किया है आपने टीवी भी किया है कितना फर्क है टीवी और थिएटर में लड़कियों का नंबर लेने में। यार काम की सवालत करो क्या लड़कियों का काम का सवाल मैंने कभी नंबर नहीं लिया नहीं लिया जरूरत ही नहीं पड़ती किसी ने दिया हो। हाँ हाँ दिया था ये कहने के लिए कि कॉल टाइम है तो इतने बजे आप आ जाइएगा तो मैंने कहा आपको कभी आपने ऐसा नंबर मैंने सिर्फ एक 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 लड़की का अपनी जिंदगी में नंबर लिया ले लिया उसका नंबर नंबर ले लिया और वो मैरिड है उन्होंने उनको नंबर दिया इन्होंने मौलवी साहब को दे दिया कि ये नंबर आया इस पे निकाह करवा दे हमारा ऐसा ही हुआ है। अच्छा ये यकीनन ये सवालात होते होंगे या दोस्तों ने या कभी पूछा क्या अर्ली शादी मतलब यंग एज में शादी क्यों। मेरा एक ही जवाब होता है प्यार हो गया लेकिन साहिर बोलने वाला था आदि भाई के मुताबिक ये कहते हैं प्यार जो है वो बार बार होता रहता है। देखिए इंसान तो प्यार का पुतला है बिल्कुल होता रहता है खता का पुतला है आपको एक ही शख्स से बार बार प्यार होता रहता है बिल्कुल है एक ही शख्स से ये बड़ी बात है बार बार प्यार हो सकता है आपको भाई वो जब उठते हैं सुबह तो उनके सामने एक ही शख्स होता है तो उससे प्यार होता है मैं जब उठता हूँ तो कोई नहीं होता फिर मैं बाहर निकलता हूँ अलग अलग लोग आते हैं फिर अलग अलग से प्यार। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपकी शादी हो गई तो जब आपकी शादी हो रही थी तो किसी ने आपको लड़की वालों की तरफ से ये तो नहीं कहा भाई ये एक्टर है एक्टर की तो आमदनी जो है वो स्टेबल नहीं होती या एक्टर तो कोई भी बन जाता है या इज्जत से हो गई थी आपकी शादी। नहीं इज्जत से हो गई थी मेरी शादी क्योंकि वो मेरी वाइफ थी एक्ट्रेस है ना यही मैं कहने वाला था ये बात मुझे पता है दोनों अंडरस्टैंड कर गए इस बात को। अच्छा ये कितना इंपॉर्टेंट होता है कि जी आपका जो लाइफ पार्टनर वो आपके प्रोफेशन को समझे। कभी सोचा कि अगर आपकी वाइफ एक्टर ना होती तो क्या उसमें मसले मसाइल होते। I don't think so. I think ये depend करता है कि आपकी compatibility कितनी है। काम तो बहुत मुख्तलिफ होते हैं। अब एक्टर है तो एक्टर के साथ और भी दूसरे काम हम करते रहते हैं ठीक है तो वो जरूरी नहीं है कि वो मैच करें। कंपैटिबिलिटी का होना जरूरी है क्योंकि मुझे लगता है इनिशियली और वैसे भी आप अपने आप को ही ढूंढ रहे होते हैं बिल्कुल प्यार आपने एक नाम दिया हुआ होता है चीजें बनाई हुई होती हैं डिपेंड होने के लिए लेकिन आप ढूंढ अपने आप को रहे होते हैं तो आपको जब अपना आप किसी में मिल जाता है तो आप वहीं रुक जाते हैं। कितनी कोई आपस में आदतें मिलती हैं कि तुम यार ये बिल्कुल मेरी वाली आदत है ऐसी कोई खास दो तीन आदतें याद हो। हाँ बहुत सारी आदतें हैं यार। आई थिंक सोचने का तरीका कार बहुत सेम है ठीक है अप्रोच बहुत सेम है टूवर्ड्स लाइफ। बहुत चीज़ें मैं उनसे सीखता रहता हूँ डेली बेसिस पे वो ये चीज़ कि सीखते कैसे हैं। वाह वेरी नाइस ये चीज़ मुझे उनसे बहुत अच्छी मिली है जो मेरे अंदर भी है लेकिन वो किसी और डायरेक्शन में है लाइफ की लेकिन है वो सिमिलर ही कहीं ना कहीं बैकग्राउंड भी सिमिलर होते हैं ना आपके बचपन में कुछ चीज़ें ऐसी हुई होती सिमिलर हुई जो सिमिलर होती हैं तो आप एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेट कर सकते हैं ठीक है बिल्कुल। अच्छा और एक दूसरे के काम में कितना इन्फ्लुएंस करते हैं कभी उनकी स्क्रिप्ट पढ़ी बताया कि यार ये नहीं करो कभी आप उनकी आपकी स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ी कि यार हारिस ये वाला नहीं करो यार ऐसा होता है आपस में। यार ऑनेस्टली अब तो ये है कि मैं स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा पढ़ता भी नहीं हूँ ठीक है क्योंकि अब आइडिया हो जाता है कि ये कहानी होगी इसमें ये करना है चार गिने हुए एक्सप्रेशन है ये इनको चाहिए तो अब वो वाला स्टेज नहीं है कि हम बैठ के डिस्कस करें कि स्क्रिप्ट क्या हम ये करते हैं जरूर कि स्क्रिप्ट नहीं हम साथ कोई मूवी देखते हैं कोई चीज़ देखते हैं या कोई जाके कभी थिएटर देखते हैं तो वी डिस्कस इट बट वी डोंट लाइक इन मतलब इतना कुछ है नहीं काम के बारे में बात करने के लिए आए थे। सही है। अच्छा तो हारिस भाई ये बताइए आपकी शादी को कितने साल हो गए। 3.5 साल। और आपके कोई बेबी है
नहीं तो कब चाचू बना रहे हैं आप यार, यार ये मेरे बच्चे क्या भतीजे भतीजियां हूं मैं खेलूं रिश्ता भी नहीं पता मां सबके रिश्ता भी नहीं पता और मांग रहा है नहीं तो बताए ना मां सबके में इतनी जोर से उछाल रहा है वो बहुत ऊपर चला है ऊपर पंगे में नहीं तो कुछ आपने आप बताएं कोई प्लान किया यार ये कुछ बात नहीं क्या करो यार मुझे बहुत अजीब से लगते हैं सवाल क्यों तो मैं दूंगा वो मैं चाचू बना रहे हो रोज होता है इसके साथ मैं तो उसके घर में जाके शोर मचाता हूं इस बात का कि भाई हमारी आपकी शादी कितने साल हो गए मेरी शादी को 2.5 साल हो गए माशाल्लाह 2.5 साल हो गए आपसे ये सवाल जब पूछे जाते डेली पूछता है मुझसे मुझसे नहीं मेरे घर में आके पूछता डायरेक्ट डेली नहीं क्या अच्छा लगेगा ना यार मतलब छोटा सा हारिस यहां से आ रहे फैजान आ रहे छोटा सा दोनों को गोद में उठा के मेरा बच्चा अकलमंद लोगों ने तेरे आसपास बच्चे नहीं देंगे हम बेफिक्र क्यों क्या हो गया कोई ऐसा सीन ही नहीं है यार अच्छी अजीब सी बात कर रहे हैं अच्छा मुझे बताएं आपने भी बोला कि ये काम बहुत मोनोटनी आ गई है ठीक है इसको कभी ब्रेक करते हैं कभी या खाली अपना ब्रेक ले लेते हैं यार मैं ब्रेक ही ले लेते हैं क्योंकि उसके लिए आपके हाथ में पावर का होना बहुत जरूरी है ठीक है अगर किसी चीज को चेंज करना है मुझे लगता है बैठे बैठाए बात करने से चेंज नहीं होता तो ब्रेक ले लेते हैं ब्रेक ये ले लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए वहाँ से हट जाते हैं ठीक है फिर उसके बाद थोड़ा नहीं मेरे ख्याल से एक और तरीका ब्रेक लेने का ये भी है ना कि जैसे बहुत क्लीशे काम हो रहा है अगर फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव कैरेक्टर है वो एक ही तरीके से होता है कभी ये बात किसी से डिस्कस की कभी डायरेक्टर से यार स्क्रिप्ट राइटर से कि यार मैं इसको इस अप्रोच से करके देखता हूँ कुछ लोग होते हैं जो उसको वेलकम करते हैं कुछ कहते हैं नहीं भाई ऐसा कोई सीन नहीं जो लिखा है वही करो चलो शाबाश तो कभी ये ऐसा कुछ हुआ हाँ ये इनिशियली लगता था मुझे लेकिन अब मुझे बात ये समझ में आई है कि हमें किरदार चेंज करने की जरूरत नहीं है हमें स्ट्रक्चर चेंज करने की ज़रूरत है ठीक है क्योंकि हम जो कहानी बताने का मीडियम है हमारे पास वो जो फ्रेम्स हैं और जो पीछे म्यूजिक है और जो उसके पीछे आइडिया है वो एक है तो मैं उसके ऊपर जितना भी अलग कैरेक्टर कर लूँ उसने इतना ही लगना है एडिटर ने उतना ही लगाना है उसके पीछे म्यूजिक वही लगना है तो ये काम मेरे अकेले का थोड़ी है ये काम तो टीम वर्क है तो उस टीम के स्ट्रक्चर को चेंज होने की ज़रूरत है उस जहनीत को चेंज होने की ज़रूरत है उस ऑडियंस को केटर करने वाले स्टोरीज को चेंज होने की ज़रूरत है अच्छा आरिफ भाई ये बताइए आपने एक्टिंग पढ़ी हुई भी है ऐसा ही है कोशिश की थी यार तो मतलब कुछ तो पढ़ी है ना मतलब हाँ, हाँ, कुछ तो पढ़ी जितने भी दिन हाँ, महीने साल हाँ, हाँ, तो आपने जब पढ़ी और उसके बाद आपने थिएटर किया हाँ, चले इतना तो हमें भी यकीन है कि थिएटर में वो काम आती है कहीं ना कहीं हाँ, फिर आप आए टीवी के में अंदर जब आप टीवी के अंदर आए तो क्या आपको धचका लगा कि ये मैं क्या करता आ रहा था और क्या हो रहा है बिल्कुल लगा है तो वो अच्छा धचका था या बुरा धचका था अच्छा धचका था इन द सेंस कि मुझे ये रियलाइज हुआ कि अब मुझे हर थोड़ी देर बाद जो है वो इस चीज़ को अनलर्न करना है सीख तो लिया है इसको हाँ, बैकफुट पे आना वापस फिर बैकफुट आना है फिर इसको अनलर्न करना है फिर उसके क्योंकि जो चीज जरूरी नहीं है कि आपको सिखाई जा रही हो जब आप ऑन ग्राउंड आते हैं वैसी चीजें मुख्तलिफ होती हैं बिल्कुल वो एक धचका तो लगा था ना दिल तो टूटता ही है दिल तो आपके साथ भी हमने थिएटर किया सबके साथ हुआ आपको भी पता है और वैसे भी किताबी बातें ना हमारे मुल्क में कम चलती हैं हमने बिजनेस स्कूल से पढ़ा है वहां हमें मार्केटिंग पढ़ाते थे जोसेफ सेनंथोनियो की किताबें पढ़ाते थे जब हम यहां गए तो पता चला भत्ता देके दुकान खुलती है ऑन ग्राउंड काम आता नहीं है ठीक है जी बात हो रही थी ब्रेक की तो हम जाते हैं ब्रेक की तरफ ब्रेक से वापस आते हैं हमारे साथ मौजूद आरिफ वहीद और आप देख रहे हैं द मजेदार शो मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 वेलकम बैक आप देख रहे हैं द मजेदार शो और हमारे साथ मौजूद है हारिस वहीद हारिस हम खेलने लगे दिस और दैट मजेदार 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 होगा कुछ यूं आपसे एक सवाल होगा उसमें दो ऑप्शंस होंगे आपने एक जवाब देना है बोथ ये मेरे दोस्त हैं ये मैं नहीं करूंगा ऐसा नहीं होगा बिल्कुल डिप्लोमेसी नहीं होगी सीधे सीधे जवाब देना है आपने आपने मेरे ख्याल से एक हमारे एक और दोस्त का आपने शो देखा है हाँ। आपको अंदाजा है कि उनके साथ क्या हुआ था वेरी हाँ। गुड तो आप तैयार हो जाइए पहला सवाल पॉजिटिव कैरेक्टर्स या नेगेटिव कैरेक्टर्स सिर्फ कैरेक्टर सिर्फ कैरेक्टर थिएटर और टीवी टीवी कॉमेडी या फिर सीरियस कॉमेडी ट्रेन और प्लेन ट्रेन चॉकलेट या फिर आइसक्रीम चॉकलेट एज अ पैसेंजर या फिर एज अ ड्राइवर एज अ पैसेंजर पेन या फिर पेंसिल पेंसिल नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब नेटफ्लिक्स रीडिंग या फिर राइटिंग राइटिंग नॉवेल्स या फिर बुक्स नॉवेल्स अब बदतमीज सवालों का दौर शुरू होगा आपका मिस्टर आदित्य मुझे अंदाजा था ये बताइए कि बॉयज स्कूल में पढ़ना चाहेंगे या को एजुकेशन में को एजुकेशन शादी में जो जाना पसंद करते हो मिक्स शादी में जाना पसंद करते हैं जिसमें अलग अलग होती है जिसमें अलग अलग होती है लड़की जब सामने आती है तो क्या देखते हैं उसकी आंखें या उसके पैर उसके पैर लंबी लड़की पसंद है छोटी लड़की पसंद है लंबी क्या पैर देखते किसी ने पूछा आप मेरे पैर क्यों देख रहे हैं अब पैर क्यों देखते हैं पैर को ऐसे थोड़ी देखते होंगे यूं करके फिर भी पैर क्यों देखते हैं वजह क्या है यार आई डोंट नो बचपन में किसी ने दिमाग में डाला था कोई भी चलता हुआ आता है ना तो अपेरेंस यूं जानी चाहिए अच्छा सब मतलब बचपन से ही एक फिल्मी शॉट है अच्छा आपने ये सुना है जिसके पैर साफ होते हैं ना वो लड़की भी साफ होती है और उसका दिल भी साफ होता है उसकी नियत भी साफ मैंने वाकई ऐसा सुना है अगर पैर साफ हो हां तो
अच्छा होता हाँ मतलब पैर अगर आप तो पैर मेरी निगाह सही जगह जाती है सही जगह सही जगह बिल्कुल कोशिश किया करें कि पैर से जल्दी ऊपर आ जाया करें क्योंकि स्लो स्लो आएंगे तो लड़के की ताड़ है हम यूं देखते हैं बस ठीक है तरह नहीं देखते चलो एक बार फिर दोबारा करके बताना कैसे अच्छा ये बताइए शादी एक ही बार करूंगा लेकिन अगर कभी मौका मिला तो वापस भी कर लूंगा कभी नहीं करूंगा वापस क्यों भाई क्या बात है यार अगर अजीब सी बातें दिमाग में डालो यार आप लोग पता नहीं क्यों इतने वो जाते हैं भाई क्या शादी है कर सकते हैं दूसरी बार चार तो इजाजत है हमें यार तो जरूरी थोड़ी इजाजत तो बहुत चीजों की सारी थोड़ी कर सकते हैं हमें तो देखो सिग्नल तोड़ने की इजाजत नहीं हम तो तोड़ ही जा रहे हैं तो शादी है मतलब चार इजाजत है तो चार ही करनी है मोहब्बत अच्छा और जो चीजें बताई गई है उस पर अमल नहीं करना ये करना है देखो जो आसान होता है उस पर तो करे ना अच्छा ये बताइए कि गोलगप्पे खाने का शौक है या मीठी पूड़ी खाने का शौक है गोलगप्पे ये बताइए समंदर में जाके घूमने फिरने का शौक है या दूर बैठ के खाली व्यू एंजॉय करने का शौक दूर बैठ के व्यू एंजॉय पाकिस्तान में घूमना पसंद है पाकिस्तान के बाहर अकेले घूमना पसंद है या किसी के साथ बीवी के साथ बीवी के साथ अच्छा अच्छा आदमी यहाँ पे बताए पोएट्री या फिर गजल गजल डाइन इन या फिर डिलीवरी डिलीवरी टी या कॉफी कॉफी विंटर्स और समर्स विंटर्स को एक्टर्स हु टॉक मोर और हु टॉक लेस Talk less. अपने काम से काम है ठीक है ऑटोग्राफ या फिर सेल्फी सेल्फी देसी खाना या अंग्रेजी खाना अंग्रेजी खाना इमामुल हक या फिर मदिया इमाम मदिया इमाम ओके गुगी या फिर नकबजन गुगी ठीक है अनम तनवीर या सुहेल तनवीर सुहेल तनवीर सही है अच्छा क्यों अनम तनवीर में क्या खराबी है यार खराबी तो मैंने बोला ही नहीं फिर हमेशा लड़कों का साथ देना चाहिए हम बॉयज है ना यार ओके जी पूछिए नहीं मुझे वो अच्छा लगता है अच्छा ऑलराउंडर अच्छा ऑलराउंडर है यार अच्छा अनम तनवीर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है मैं समझा तुम कह रहे हो अनम तनवीर भी अच्छी ऑलराउंडर है ऐसा मुझे लगा जिस तरह तुम जुमला लाए थे छोड़ इस बात पूछो अच्छा ये बताइए लड़कियां कैसी पसंद है क्लीन शेव या दाढ़ी के साथ अरे यार दाढ़ी के साथ लड़कियां दाढ़ी के साथ पसंद है कोई तो तुम्हारे जैसा मिला तुम्हें मामू की साइड ज्यादा पसंद है या चाचू की साइड ज्यादा पसंद है ही नहीं मामू भी नहीं है चाचू भी नहीं है मामू चाचू दोनों नहीं है ताया और खाला है पाकिस्तान का नाम रोशन करूं डॉलर या रुपया डॉलर ले लो बहुत फायदा ठीक है हाँ हारे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपने सोच समझ के जवाब देना जल्दी नहीं कर रही जब आप जवाब दे देंगे फिर आपको बताया जाएगा कि हमने ये सवाल क्यों किया और आपको क्यों कहा कि आप टाइम लें ओके ये देखें गंभीरता शुरू होगी अभी ये वेरी गुड और इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी आपने हारे और आपसे ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आपका इस फील्ड में बहुत तजर्बा है और आपकी बहुत नॉलेज है तो इसका सही जवाब आप जब से हैं माशाल्लाह पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं ऐसी है आदि या फैजान आदि आदि बोल दिया उसने आदि गया आज तुम्हें पॉइंट मिल गया क्या याद मेरा पॉइंट हाँ चलो ठीक है माय पॉइंट अच्छा ना he took my name on air live television national TV of Pakistan TV1 the Mazedar show score added to my list score भाई आपने हमारा एक स्कोर कार्ड चल रहा है क्या चल रहा है क्या चल रहा है वो मैं बताऊंगा तो तुम फंस जाओगे बस चलते रहे ना हाँ ये बस ठीक है वेरी गुड अच्छा अब हम खेलेंगे आपके साथ क्विक फायर मजेदार होगा कुछ यूं कि एक वर्ड बोलूंगा मैं उसका जो फौरन जवाब आपके ज़हन में आपने बोलना है मतलब एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड फॉर एग्जांपल ठंडा गरम सोफा लेटना गाड़ी चलाना टूथब्रश वाइट बन कबाब मजे का फिटनेस कभी कभी मेकअप आई हेट को स्टार्स सही है बस सही लव मैरिज ओह हमेशा होती रहती है उसी थिएटर बस हो गया पास्ट आदि लड़कियां कीमा आलू पोटैटो चिप्स दोस्त दुश्मन प्यार जिंदगी तलाक कभी नहीं जहेज कभी नहीं मेरी बेटी हो गई साइमा सवाल कर दिया हो गई नहीं ना साइमा साइमा में चला गया यार साइमा से क्या दिमाग में आता है तुम बताओ फ्लैट मुझे भी साइमा नाम के फ्लैट अच्छा मुझे लगा कि फ्लैट में साइमा देखी होगी नहीं नहीं भाई फ्लैट अच्छा इदरीस इबला करके कुछ एल्बा 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 अच्छा मजेदार शो अमेजिंग शो टीवी1 अमेजिंग स्पोर्ट्स क्रिकेट विंटर्स
जैकेट नेपोटिज्म एग्जिस्ट पॉलिटिक्स हेट तब्दीली नहीं घबराना नहीं है घबरा गए भाई आम खाएगा कभी नहीं टिकटॉक नेवर टच्ड बारिश रोमांटिक कोल्हापुरी चप्पल पैर में दर्द नंगा बच्चा कपड़े बटरी सॉल्टी पहाड़ कटी पहाड़ी दिल खून पतंग कट गई अनुषा अब्बासी अब शमून अब्बासी साइमा अजहर साइमा अजहर नहीं वो आसिम अजहर है वो आसिम आखिरी वीडियो देखी साइमा क्यों याद आ रही है आज इतनी वो आसिम उसकी आखिरी वीडियो देखी थी एक लट लटक रही थी तो उससे साइमा हो गई मुझे आसिम अजहर सिंगर फैसल कुरैशी एक्टर फहद मुस्तफा एंटरटेनर भाई रैंडम पूछ रहे तुम तो एक ही नाम पूछे जा रहे हो मेरे ज़हन में एक लीक चल रही है मोटर बाइक फेवरेट बाइसिकल बचपन गर्मियां पसीने पसीने वेरी गुड बनियान गर्मी बदबू या खुशबू तुम बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या आता है बदबू नहीं मैं नहीं बोलना चाहता क्यों? जो पहला दिमाग में क्योंकि मैं होस्ट हूँ तुम सेट पे नहीं जाते हो जाता हूँ बस ठीक है क्या आता है दिमाग में नाम आते कुछ क्या होता है बताओ कुछ नाम आते हैं आप अक्सर किसी सेट पे जाए ना तो आप दरवाजा खोलते हैं तो आप दरवाजा बंद करके बाहर आ जाते क्योंकि अंदर बादल होते हैं होता है बुरी बात है ऐसे कभी कभी आप वैसी डिओड्रेंट लोगों को दे रहे होते हैं गिफ्ट करा देते हैं या पता है कई बार क्या करते हैं मतलब यार देखो ये लगाओ तुम भी अच्छी है ना इसकी खुशबू ये अगर ऐसा मसला हो तो उसको कैसे मैनेज करते हैं वाकई ये करते हैं कि किसी को गिफ्ट करते हैं यार पहले तो ये होता था कि वो एक यहाँ पे लगा लेता था थोड़ी थोड़ी देर बाद सूंघता रहता था अब मैं बेशरम हो गया मैं बोलता यार तुम लोग क्या हाइजीन का ख्याल नहीं रखते ये लोग पकड़ो लगाओ चलो वैसे ये भी कर सकते हैं वो जो होती है ना कॉटन पिन उस पे परफ्यूम लगा के नाक के अंदर पोछा लगा लें उसका तो फिर आप जो भी सूंघेंगे आपको खुशबू आएगी वैसे कभी ऐसा हुआ है आपके साथ यहाँ पर आदि भाई के टोटके शुरू हुए वक्त हुआ है ब्रेक का ब्रेक पर जाते हैं वापस आते हैं हमारे साथ मौजूद है आरिफ भाई और आप देख रहे हैं दिन मजेदार शो मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 कम बैक जी आप देख रहे हैं था मजेदार शो और हमारे साथ मौजूद है हारिस हारिस एक सिलसिला हमने शुरू किया है कि हर शो में हम कोशिश करते हैं कि एक टैलेंट को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें बिकॉज वी ऑल नो कि स्ट्रगल क्या चीज़ होती है तो एक प्लेटफॉर्म बड़ा मैटर करता है तो हमारी कोशिश है कि यहाँ पर लोग आके अपने टैलेंट को शोकेस करें और अब तक माशाल्लाह जितने लोग आए वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं आज हमारे साथ मौजूद है कबीर जो कि एक सिंगर है ये उनसे बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम कबीर कैसे हैं आप अस्सलाम अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हैं ये बताएं कब से सिंगिंग कर रहे हैं आप ये अभी शौक है एक शौक तो है लेकिन कब से है ये शौक मैंने आई थिंक 13 ईयर ओल्ड किसने इंस्पायर किया आपको गाना गाने के लिए मुझे एक तरह से सज्जाद अली अच्छे लगते हैं तो उनके गाने सुनते रहते हैं आप जी ठीक है कितने सुनते हैं कितने सुनते हैं मतलब रोज सुनते हैं कभी कभी सुनते हैं कैसे प्लेलिस्ट में रोज ही हैं जी रोज सुनते हैं अच्छा कभी ऐसा किया कभी किसी उस्ताद के पास गए मुझे सिखा दो कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ऐसा कभी नहीं किया नहीं आपने कहा मुंह नहीं लगाता उस्तादों को मैं खुद ही उस्ताद हूँ ऐसा वाला चक्कर नहीं ऐसा चक्कर नहीं है में पढ़ाई भी है सब कुछ क्या पढ़ रहे हैं आप मैं भी इंटर किया अच्छा जी तो मैं आप क्या सुनाने लगे हमें जी आज सज्जाद अली का एक सॉन्ग है बोलो 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 जी जबरदस्त गाना नहीं, है नहीं, आप बोलो कह रहे सज्जाद अली का सॉन्ग है बोलो बोलो आप बोलो नहीं नहीं गाने का नाम है बोलो बोलो यार अच्छा अच्छा तो बड़ा मुश्किल गाना यार उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा गाएंगे चेहरे हजारों हैं मेरी उदास निगाहों में तूने क्या देखा क्या देखा मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा या मेरा सारा बैग बैलेंस देखा मेरे सपने देखे ना मेरा जज्बा देखा ना मेरा टूटा हुआ दिल था प्यार तुम्हें करूंगा सोचा था प्यार जिंदगी भर में
का घर जो बनाया था वो घर तो मैंने तुम्हारे लिए ही सजाया था। ये खबर न थी ये बताना था तुम तो झूठा प्यार हो, तुम्हें अपना कहा तुम्हें प्यार दिया लेकिन तुम कोई और हो। तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं, प्यार मुझसे नहीं है। मैं तुमसे दूर चला जाऊं या पास चला आऊं इकरार मुझसे नहीं है। तालियां हमारे भाई के लिए और हमारे बैंड के लिए। जबरदस्त यार, बहुत उमदा, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा गाना और बहुत अच्छा। जबरदस्त यार, आपने बहुत अच्छा गाया। आगे के क्या प्लान्स हैं फिर आपके? कहाँ जा रहे हो? सीवी चल रहा है? अरे यार सिंगिंग को लेके क्या प्लान्स हैं तुम्हारे? सिंगिंग को लेके बस ये शौक है, इसको कंटिन्यू रखूंगा इंशाल्लाह। उसके अलावा कोशिश ये है कि पाकिस्तान आर्मी या एयरफोर्स ज्वाइन करूं। अरे एयरफोर्स ज्वाइन करो, जबरदस्त यार, बेहतरीन। तुम तो मतलब सारे ऑलराउंडर चल रहे हो तुम तो। कोशिश है कबीर, बेस्ट ऑफ लक यार। उम्मीद करता हूँ आज की परफॉर्मेंस के बाद आपको बहुत सारी कामयाबी मिलेगी, बहुत सारी पजीराई मिलेगी। इसी तरह पैशन को जगाए रखें, ये जरूरी होता है। पढ़ाई करें, बिल्कुल करें, लेकिन साथ साथ कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको मुसलसल मोटिवेटेड रखे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और जाने से पहले हमारा 250 दे के जाना, ठीक है? जरूर इंशाल्लाह। क्लियर कर लो यार, फिर बाद में कैश के पीछे भागते रहो लोगों के यार। ठीक है आरिस, मुझे बताया म्यूजिक के हवाले से क्या सिलसिला? मुझे लग रहा था कि गिटार वगैरह का सीन तुम्हारा भी ऑन है यार। नहीं यार, म्यूजिक में जिस तरह तुम एंजॉय कर रहे थे, अंदर है, अंदर होगा, अंदर है, अंदर ही है। किस तरह के गाने पसंद है, क्या क्या सुनना पसंद करते हैं? यार मुझे ऑब्वियसली जो बड़ा हुआ था सुनते, मुझे म्यूजिक, मेरा म्यूजिक वाला कान है नहीं। अच्छा, मेरा नहीं। कौन सा वाला कान है आपका? मेरा कान है डायलॉग्स वाला, डायलॉग्स वाला, ड्रामे वाला। हाँ, अच्छा, वो वाला स्कोर वाला साउंड है, बैकग्राउंड स्कोर, बैकग्राउंड हाँ, सिमर वाला सीन चल रहा है। ठीक है, अच्छा तो ये मुझे ये बताइए, जिस तरह बट आई कुड फील इट, आई कुड फील वो प्ले कर रहे थे और जब वो एंड में उसको बहुत ज्यादा जोश आया। हाँ, तो उसने उठ के जब गाना शुरू किया तो आई कुड फील दैट एनर्जी ना। हाँ, तो वो मजा आ रहा, बड़ा मजा आता है। और ये तो आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट कनेक्शन भी तो एक होता ना कि बंदा फील। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने भी एक पूरा सफर किया है, ऐसी बात है, आपको जिंदगी में प्लेटफॉर्म मिला था कोई ऐसा जहाँ आप गए थे, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ आपने सोचा कि यार मैं इसको यूटिलाइज कर सकता? हाँ, स्ट्रगल के बारे में कुछ जरा बताओ मुझे, कहाँ से शुरू हुआ मामला? यार स्ट्रगल तो चल ही रही है, चलती रहती है जिंदगी भर। ये हमने तो देखो जिस प्रोफेशन में कूद गए ना, ये तो है, स्ट्रगल है, ये तो कॉन्स्टेंट है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। बट दैट ब्रेक थ्रू, बिकॉज आई सॉ यू फर्स्ट टाइम इन अवंती, मैंने कहा यार सीन होने बॉय का। बिल्कुल अजंता अजंता तो हम कर रहे थे। अच्छा, एक अजीब मामला था ना वो। मैंने तो दोनों किए, तुम कंफ्यूज हो जाते। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो मैंने प्ले किया था हारिस के साथ, और मैं जब हारिस का एक उसमें एक सीक्वेंस था बहुत लंबा, तो जब मैं पीछे खड़ा होकर देख रहा होता था कर्टन में से, तो हारिस इतनी जान लगा रहा होता था कि मुझे आज तक याद है, मैं कहता था इतनी क्यों जान लगा रहे हैं यार, मतलब इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत सच्चे दिल का काम कर रहे हैं। और हारिस का दिल नहीं चाहता था कि उसमें अपने आप को वाकई मार दे, और इसको पसीने आ रहे होते थे और इसकी नसें नजर आ रही होती थी। तो वो ऐसा लोग सोच रहे होंगे क्या बातें हो रही है, असल में एक प्ले था जी, उसमें एक मजनू का कैरेक्टर था जो ये करते थे, मुझे अच्छे तरीके से याद है। और वो एक ऐसे सिचुएशन में आ जाता है कि आपको बहुत ज्यादा उसमें एक्टिंग के अंदर एक और एक्टिंग करनी पड़ती है बेसिकली। तो आई थिंक जब शुरू भी होता है ना, आप जब कोई भी प्रोफेशन या कोई काम करते हैं, तब आपने जानना भी होता है ना कि मैं कैसा हूँ, कहाँ तक मुझे लिमिट कहाँ तक देनी है, उसके बाद आपको अंदाजा होता है कि बाकी कितनी की जरूरत है और कितनी नहीं देनी। तो वो इनिशियल टाइम था, लेकिन बहुत खूबसूरत टाइम था वो भी, और ये भी बहुत खूबसूरत टाइम है। मुझे तो उन सबको देख के अच्छा लगता है
जिनको हमने थिएटर के टाइम पे देखा हुआ है। आई थिंक मैंने आपको भी देखा सिंडर जट में जब आपने वो पुलिस वाले हैं पठान का रोल किया, पठान का रोल किया था, और क्या नाचते थे और क्या डायलॉग्स होते थे, तो मैं बोलता था यार ऐसा मुझे भी करना है कुछ। और इसके साथ वो पठान करने के बाद मसला हो गया था ना, सर टीवी वाला फोन करता है सर पठान का करेक्टर कर, दो ढाई साल मैंने पठान करता हूँ, जगह जगह जाके ना लोग समझते थे मैं वाकई पठान। हाँ तो जी वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ मौजूद है हारिस और आप देख रहे हैं दी मजेदार शो। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 वेलकम बैक, ये आप देख रहे हैं द मजेदार शो और हमारे साथ मौजूद है हारिस और अब हम खेलने लगे हैं 5 सेकंड रूल। मजेदार 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 आपको मैं ये गेम समझा रहा हूँ, वैसे आपको पता है आपसे एक सवाल होगा उसके आपको तीन जवाब देने होंगे और जब जवाब दे देंगे तब आप ये बजर बजाएंगे और 5 सेकंड सिर्फ 5 सेकंड और 5 सेकंड बजेंगे कुछ ऐसे, बजा के दिखाइए 4 वेरी गुड। तो तैयार हो जाइए जी, नेम 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। सोहेल तनवीर, अब्दुल रजाक, शाहिद अफरीदी। वेरी गुड। नेम 3 ईपी सॉन्ग्स। बोलो बोलो तुमने क्या देखा और बाकी नहीं आता। वेरी गुड। नेम 3 वेजिटेबल्स विद सी। कैरेट, क्यूकम्बर, कॉलीफ्लावर। वेरी गुड यार, सही था ये, हम दे देते हैं कोई बात नहीं। नेम 3 डिशेज विद शुगर। शुगर केक, गाजर का हलवा, सूजन हलवा। नहीं चला गया। तकरीबन 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 ठीक है। नेम 3 थिंग्स इन योर बैग। इन माय बैग आई डोंट हैव बैग यार। यार एक हाथ बैग ही नहीं है तुम्हारे पास। बैग नहीं है भाई बैग। चलो भाई पूछो। 3 ऐसी चीजें बताएं जो लंबी अच्छी लगती हैं। दीवार, बॉल, लड़की। देखिए आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ नहीं जाना है। अच्छा ठीक है दोस्त। हाँ चलो पूछो। 3 ऐसी चीजें जो रात 10 बजे के बाद सड़क पे दिखती हो। लाइट, गाड़ी, लोग। लोग हाँ लोग देखते हैं। उसने साथ दिया मेरा, उसने एक लंबा किया था है ना, एक थोड़ा डिले के साथ दिया, पॉज के साथ। 3 ऐसी चीजें वो भी सोच रहा था क्या है, उसने कहा कुछ तो बता दे यार ये ले। अच्छा 10 बजे का सिमरन भी होती है। साइमन से सिमरन पे आ गया ये मूव करता रहता है। अच्छा 3 ऐसी चीजें जिसको देख के शर्म आती हो। मिरर, कैमरा, तुम तुम्हें देख के शर्म आ रही है। अच्छा रिलेशनशिप इनसाइड। हां चलो पूछो। 3 ऐसी चीजें जो आंख में फंसती हैं। मस्कारा, मिट्टी। आई एम वेरी बैड एट मिट्टी, बाल, चीजें फंस जाती हैं यार। अच्छा नेम 3 स्टाइलिंग एक्सेसरीज। सीजर्स, जेल, हेयर ड्रायर। वेरी गुड। नेम 3 जिम एक्सेसरीज। डंबल, वाटर बॉटल, बैग। 3 फेवरेट को एक्टर्स। मैं, बीवी और मैं। ये कैसी बात है यार। हाँ बिल्कुल ट्रू ऑनेस्ट से बात। अच्छा हाँ मैं अपने साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। सोलो सीन में तो इतना मजा आता है ना मुझे, मैं बता। 3 ऐसी चीजें जो आप बाइट कर सकते हैं। खाना, बर्गर, बबल। वेरी गुड। 3 ऐसी चीजें जिसमें आप घुस सकते हैं। कपड़े, दरवाजा, बाथरूम। अरे यार वेरी गुड। 3 ऐसी चीजें जिसमें आप हाथ डाल सकते हैं। शर्ट, शेर, पिंजरा। आखिरी वाला क्या था? पिंजरा। पिंजरा। वैसे घड़ी में भी हाथ डाल सकते हैं आप। हाँ वो डाल दिया था मैंने। हाँ डाल सकते हैं। 3 ऐसी चीजें बताएं जो सीधी उंगली से नहीं निकलती। घी। इधर मैं तुम्हें बताऊं भाई। देखे मैं आपको बता सकता हूँ। नहीं आप ना बताएं। कोई भी गाड़ी चीज जिसका डब्बा छोटा हो वो सीधी उंगली से नहीं। वेरी गुड ठीक है। 3 एनिमल साउंड बनाइए। स्पेशल नस्ल का कुत्ता है उसका साउंड है। अच्छा माइकल जैक्सन ने वहां से चुराया है। ठीक है अच्छा एक आउ हो गया और दो और दूसरा क्या हो गया? जानवर बाहर नहीं आ रहा लड़के का जानवर बाहर निकालो। हमने सुननी आवाज तो ये सो रहा है या शेर है? शेर है ये, सोता हुआ शेर है। और तीसरा कुछ यार बिल्कुल ब्लैंक हो गया है तो कोई बात नहीं। अच्छा 3 निकनेम्स बताइए अपने। अपने भालू। भालू हारिस। हारिस ही निकनेम है मेरा। ठीक है। और हैरी। ठीक है हैरी। ठीक है। 3 ऐसे आइटम्स जो हॉस्पिटल में मिलते हो। बिल, मेडिसिन। अरे नर्स। यहाँ नर्स होती है? नर्स, डॉक्टर। हॉस्पिटल कब आना जाना? डॉक्टर नहीं बोला यार तुमने। अच्छा 3 ऐसी चीजें जो बेकरी में मिलती हो। बिस्किट और चिप्स और घी। केक। 3 ऐसी चीजें। घी। घी देखो मैं घी बोला। घी मिलता है। वेरी गुड। घी भी मिलता है। 3 ऐसी चीजें जो वक्त के साथ बड़ी हो जाती हैं।
इंसान, कुत्ता और टाइम। कुत्ता क्यों बड़ा हो रहा है भाई? कुत्ता बड़ा हो रहा है। हाँ माशाल्लाह, देखिए आप तो लगता नहीं सवाल वैसे पूछ रहे तो जवाब भी कैसे आएगा। ठीक है ठीक है, क्या है भाई? कुत्ते से मुझे ख्याल आया कि तुम्हारा डिस्कशन माशाल्लाह हर जगह होता है। अच्छा, तीन ऐसी चीजें जिनके ऊपर आप गिर सकते हैं। फ्लोर, कार्पेट, बिस्तर। तीन ऐसी चीजें जो चिपकती हो। बबल, ग्लू, भूख। अरे यार वेरी नाइस। तीन बचपन में चिपकाते थे पेपर पे ऐसे करके, जब ग्लू खत्म हो जाता था। यार हम अभी क्रिकेट खेलते नहीं चिपकाते, हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में हम लोग क्या करते हैं ड्यूरिंग द फील्ड, बॉल अगर तेज आए ऐसे थूक को यूं करते हैं ना। क्यों? बाहर करोगे दो गोलियां करी है, बाहर से बाल्टी क्यों आता है इसमें? कुत्ते की थूक से दवाई बनती है जी। तभी कहूँ जब भी दवाई खाता हूँ भौंकने का दिल करता है मेरा। यही वजह है। तीन ऐसी चीजें जो गोल होती है। बॉल। देखो ये वो वाला गेम नहीं है। प्रोमो शॉट मिल गया है ना, प्रोमो शॉट मिल चुका है, अब थोड़े से चेंज कर दो सवाल। अच्छा, तीन ऐसी चीजें इनके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं हकीकत के लिए, अपनी वाइफ के लिए और प्यार के लिए। हकीकत के लिए यार, व्हाट अ गुड आंसर। तीन ऐसी चीजें जिसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। झूठ के लिए, धोखे के लिए और बेमानी के लिए। तीन तीन प्रेसिडेंट्स के नाम बताइए। डोनाल्ड ट्रंप, इमरान खान, जियाउल्लाह। प्रेसिडेंट्स बोला मैंने। डोनाल्ड ट्रंप वाजंट अ प्रेसिडेंट, इमरान खान वाजंट अ प्रेसिडेंट। यस सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है कोई बात नहीं, आदि कोई पूछिए। हां तीन ऐसी चीजें बताइए, कोई बताइए तीन ऐसी चीजें। एक सवाल है हारिस वहीद, आदि और फैजान। अच्छा तीन ऐसी चीजें बताइए जिसको मुंह से खींच सकते हैं। थूक। यार ये लड़का बबल और सूप। सिगरेट। सिगरेट आप तोड़ के पकाते हैं या जैसे आते हैं वैसे ही पका लेते? यार मुझे लंबे पसंद है ना, ये उसको ना ऐसे कर करके ना फूंक मार के उसका धुआं निकालो, ऐसे करके खाओ है ना। वाह। तीन ऐसी चीजें जो मुंह पे होती है। दाढ़ी, नाक, आंख। आसान सवाल। तीन ऐसी चीजें जो लीक कर जाती हैं। स्कैंडल, पैसे और गैस। स्कैंडल यार वीडियो मैं बोल रहा था, व्हाट्सएप वीडियो। गैस भी लीक कर। गैस कौन सी गैस? गाड़ी की गैस। गाड़ी की गैस। मेरा तो एक ऑडियो नोट भी लीक कर गया था अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है। किसी आपने नहीं किया होगा? हाँ हो सकता है। अच्छा तीन ऐसी चीजें जिसको आप देख के डर जाते हैं। पता नहीं यार मैं डरता। तीन चीजें जिनको देख के बहुत हंसी आती है। पाकिस्तानी ड्रामे, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। अच्छा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। तीन ऐसी चीजें जो आप सुबह उठते ही करते हैं। दांत ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ और खाना खाता हूँ। दांत ब्रश करके नहाते हैं और फिर खाना खा लेते हैं तो कुछ और नहीं करते हो? नहीं कुछ नहीं, नहीं करते यार। थोड़ा बहुत बीच में कभी गया हो? नहीं आज किया था, आज किया था। अच्छा तीन ऐसी चीजें जो आप सोने से पहले करते हो। फेशियल क्रीम लगाता हूँ कोई मैं, और आई डोंट नो। तीन ऐसी चीजें जो आप आधी रात करते हैं यार। तीन ऐसी चीजें के बाद मजा है। तीन ऐसी चीजें जो आधी रात में करते हैं। आधी रात में? हाँ नींद से उठ के। गर्म पानी पीता हूँ, सांस लेता हूँ और बस फिर बैठ जाता है यार। क्या है? तीन ऐसी चीजें जिसमें हरी मिर्च डलती हो। अरे ये कहाँ ले गया? बिरयानी, कोरमा और यार। तीन ऐसी चीजें जिसमें आलू डलता हो। सालन, बिरयानी, बिरयानी। ठीक है जी, सही है, कोई बात नहीं, बहुत बुरा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे आ जाएं जी, मूव ऑफ द डे का वक्त हो गया। मजेदार 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 मजेदार। सेट मूव द डे था यार, जबरदस्त। आदि तुम्हें याद हुआ? हाँ हाँ है, करो जरा अकेले से करना। ये देखना ऐसे, ये ठीक है? नहीं ना, ये तो तुमने किया ही नहीं है। ये मैं जरा जल्दी में था। चलो हाँ। फिर करते हैं ना, ये 1 2 3 एक दो, ये उसके बाद ये फिर पीछे, ये फिर पीछे, पीछे और फिर ये था यार। वेरी गुड यार, वेरी गुड। आरिस थैंक यू सो मच। आ जाएं, थैंक यू। बैठ जाएं जी, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं।
थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट, बहुत मजा आया, उम्मीद करते हैं आपको भी मजा आया। बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग दिस शो। जो आप लोग सजेशन दिए उस पे हम जरूर सोचेंगे। सोचे नहीं, आप लोग कर लें, कर लें। हाँ, बंदा बस लड़की मिल जाए तो फौरन। नहीं, वो वाला सजेशन, आप लोग रेडी मटेरियल हैं, बस आपने सिर्फ एक्शन लेना है, एक्शन लेना है, एक्शन लेना है। हाँ जी, उम्मीद करते हैं आपको भी हमारा शो पसंद आएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है जो यहाँ पर आकर आप शोकेस करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम पेज द मजेदार शो पे हमें इनबॉक्स कीजिए, हमारी कोशिश होगी हम आपको बुलाएं। आरिस, आपके बहुत सारे चाहने वाले ये शो देखेंगे, हमारे जो कुछ लोग ये शो देखते हैं वो भी ये शो देखेंगे। अगर कोई मैसेज हो दैट कैमरास योर, सो प्लीज़। मैसेज ये है कि टेक एडवाइस फ्रॉम नोबडी, और दूसरा ये कि एक लोग हैं जिनकी एज एक सर्टन उससे गुजर चुकी है, अब उनको समझाना तो नहीं है, लेकिन जो यूथ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोंट वेस्ट योर टाइम प्लीज़। इट्स योर वेरी इंपॉर्टेंट एयर्स, कोशिश करें कि सीखें कि कैसे सीखना है। वेरी गुड जी, कोशिश करें कि सीखें कि कैसे सीखना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर शो में बताता हूँ, मैं चाहता हूँ इस दफ़ा भी बता दूँ कि जी पोलियो एक ऐसी चीज़ है जो कि अब तक हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करती है, तो प्लीज़ इसका ख्याल कीजिए, इसकी वैक्सीनेशन मौजूद है, अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीनेशन लेने दीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कुछ चंद साल शुरू में होते हैं जो कि बड़े क्रूशल होते हैं, अगर उसमें वो उनको ना दी जाए तो फिर बात ख़राब हो जाती है, और हम नहीं चाहते कोई इस चीज़ से गुजरे। आदि भाई, कोई आपका मैसेज? मेरा मैसेज यही है कि ये जो सिग्नल होता है ना लाल बत्ती वाला, इसमें रुकना होता है, ठीक है, हेलमेट पहनना होता है, ठीक है, सीट बेल्ट पहननी होती है, ठीक है, कोई इंसान अगर सड़क क्रॉस करना हो तो उसको जगह देनी होती है, और इंसान क्या बच्चा बनना होता है। वेरी गुड, ये मेरा मैसेज है कि प्लीज ये क्या करें, और SOPs भी लेनी होती है, घुसना नहीं होता एक दूसरे। हाँ, और ये मास्क जो अमेरिका की साजिश है, जिसने ये मास्क बनाया ना वो मुंह के लिए बनाया, ये थोड़ियों पे लगा के जो क्रोकोडाइल की तरह घूम रहे होते हैं ना, ये ना करें वरना उतार दें, अगर नहीं पहनना तो ना पहने, बाप पे एहसान ना करें। ठीक है जी, बिल्कुल, अपना ख्याल कीजिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगले वीक भी ट्यून इन करेंगे। थैंक यू सो मच, यू आर वॉचिंग द मजेदार शो। मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार।